रामपुर महिला पुलिसकर्मी का उत्पीड़न, सुनिए उन्हीं की जुबानी। महिला पुलिसकर्मी ने रो रोकर कहा, उत्पीड़न के तनाव में गई महिला कांस्टेबल रेखा की जान। मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण नारी सुरक्षा अभियान में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में जिन महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है उनका खुद उत्पीड़न हो रहा है। महिला पुलिस कर्मी ने रो रोकर थाने में महिला पुलिस कर्मियों पर हो रहे उत्पीड़न का जिक्र किया है। महिला पुलिस कर्मी ने रो रोकर बताया कि उनकी साथी रेखा चौधरी महिला पुलिस कांस्टेबल की जान उत्पीड़न के कारण पन्न तनाव में गई है। साथी पुलिस कर्मी की मौत की मातमपुरसी में शामिल हुई महिला पुलिस कर्मियों का छलका दर्द। मालूम हो कि बीते रोज भोट थाने में तैनात रेखा चौधरी नाम की महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अमरोहा निवासी रेखा चौधरी को ड्यूटी के दौरान टैंकर ने थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्कूटी सहित पीछे से रौंद दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। भोट थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने रोते हुए महिला पुलिसकर्मियों पर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की बात कही है। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि थाना अध्यक्ष राकेश कुमार महिला पुलिसकर्मियों का अत्यधिक उत्पीड़न करते हैं, जिसके तनाव के चलते उनकी साथी पुलिसकर्मी रेखा चौधरी की जान चली गई। अभी दो दिन पहले भी रेखा चौधरी सड़क हादसे में घायल हो गई थी। उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी, छुट्टी दी भी जाती है तो तमाम पाबंदियां लगाई जाती हैं। रेखा चौधरी 2 माह की गर्भवती थी और उत्पीड़न के चलते बहुत टेंशन में थी। महिलाएं तो महिलाएं, सब जेंट्स भी इतना परेशान है उनसे बहुत ज्यादा। इनको जो थाना भोट के ऐसा, इनको चार संभाले हुए कितना टाइम हुआ है अभी? लगभग 1 महीना हो जाएगा या हो गया हो। 1 महीने में यही रोटेशन रहा सबके साथ? एक महीने से हम लोग रोज रात को 9 बजे घर पहुंचते हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। छुट्टी होती है तो छुट्टी के लिए कभी छुट्टी लेने जाएंगे कि मर गया क्या तुम्हारे यहाँ कोई, क्या करोगे, ये करोगे, छुट्टी फेंक दी जाती है। एक दिन छुट्टी रखी थी, पूरा रजिस्टर वहाँ से उठा के फेंक के मारा उन्होंने। आपके सब लोग छुट्टी के लिए खड़े थे, डाक उनसे छुट्टी लेके गया था, डाक कराने उसने पूरा रजिस्टर वहाँ से छुट्टी का फेंक के मार दिया सारी छुट्टी। फिर रात को उस दिन 8 बजे मेरी छुट्टी हुई, जो 12 बजे होनी थी 8 बजे उन्होंने छुट्टी की। आप अस्पताल में हैं, कोई अधिकारी यहाँ भी आए? हाँ सर, हम अपनी बात रखेंगे। नहीं, कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर आए? कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं आया। थाने में गए थे,